व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं जी एमएस एक्सेल का इंटरफेस, कि उसका इंटरफेस कैसे होता है, कैसे उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आके आप स्टार्ट बार में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2020, अगर आपको यहाँ लिंक में ना मिले तो आप जो है वो यहाँ से एक्सेल लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसको आपने क्लिक कर लिया। ये जब ओपन हो जाता है तो ऐसा आपके सामने जो है व्यू आता है। इसको मैं क्लोज करके दिखाऊं, ये एमएस एक्सेल ओपन हो गया। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे जी क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होती हैं, फार्मूला बार क्या होता है, और उसके बाद ये स्टेटस बार क्या होता है, और वर्कशीट स्प्रेड एरिया क्या होता है। प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे एमएस एक्सेल के अंदर। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आज जी सबसे पहले ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि आप कोई सा टूल जो आपको बहुत ज्यादा चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी मौजूद जो डिलीट आपको नहीं चाहिए, यानी आप समझते हैं कि आपको नहीं चाहिए तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे ये आपके साथ इस टूल बार क्विक एक्सेस के अंदर। यहाँ पे आप माउस से क्लिक करें, देखें कस्टमाइज आ रहा था, ये न्यू, ओपन, सेव। अब देखें यहाँ पे आपको कौन कौन सी नजर आ रही है, सेव की आ रही है, अनडू और रीडू, तो ये तीनों जो है वो चेक है। इसके अलावा अगर आपको ईमेल की चाहिए, क्विक प्रिंट की चाहिए, शॉर्ट सेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, इनमें से कोई सी भी ऑप्शन को आप क्विक एक्सेस के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से मैं अगर क्विक प्रिंट की चाहूँ या प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट की ऑप्शन जो है वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आ गई। इसी तरह से आप मजीद कोई ऐड करना चाहें तो वो भी इसके अंदर से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये है जी क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये आपको रिबन नजर आ रहा है, ये जितना इधर हॉरिजॉन्टली यहाँ तक ये सारे का सारा रिबन है। इसमें तमाम वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि आपने एक्सेस के अंदर यूज करनी होती हैं, उसकी डेटा की फॉर्मेटिंग के हिसाब से, उसमें जितने भी आप उसके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप इन रिबन्स के अंदर से कर सकते हैं। और रिबन की टैब्स क्या होती हैं जी, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये इसकी टैब्स हैं। इन टैब्स को डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देख लेंगे ये जो है ये रिबन का एरिया होता है, और यहाँ पे आप जो है तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। और ये ग्रुप्ड की होती हैं उसकी नेचर के हिसाब से, जैसे ये सारी उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से है तो ये इसको इस तरह से ग्रुप किया हुआ है। ये इसकी फॉर्मेटिंग यानी कलर, उसका साइज, उसका फॉन्ट का स्टाइल, ये सब उस चीज से रिलेट है, तो ये एक उसमें ग्रुप बनाया हुआ है। इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट उनके कामों से रिलेटेड। उसके बाद आ जाए जी यहाँ पे ये फार्मूला बार होती है। किसी भी सेल के अंदर अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो आपको ये देखें यहाँ पे आपको फार्मूला बार के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये इसको फार्मूला बार कहा जाता है। कोई भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी हो तो वो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट जो है वो किसी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी डायरेक्ट आप फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं, राइट। तो यानी उसके लिए आपको सेल तो ऑब्वियसली सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते माउस को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी नीचे ये स्टेटस बार होती है, यहाँ पे वर्कशीट्स होती हैं, मेनू ऐड भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कैसे ऐड करते हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं, रीनेम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये होती है जी स्टेटस बार। अब ये देखें यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डिफरेंट, उसमें तो ये यहाँ पे वो स्टेटस बता रहा है कि इन एंटर मोड में है। अब ये देखें यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये इसको मैं अब एंटर करूँगी तो ये देखें अब यहाँ पे ये रेडी आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज अगर आपने यहाँ पे यूज़ किए हुए तो वो यहाँ पे जो है वो आपको दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर रख के स्टेटस बार के ऊपर माउस का राइट क्लिक करें तो भी आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे सेल मर्ज, सिग्नेचर्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, नम लॉक, कैप्स लॉक, बहुत सारी ये एक लंबी लिस्ट है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सम, अपलोड स्टेटस, व्यू शॉर्टकट, जूम, जूम स्लाइडर, ये तमाम चीज़ें ऑप्शंस आपके पास ये जो स्टेटस बार है उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करके ये आती है। मेरी तो वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं और जो है उनके पास मतलब जाके पढ़ने के लिए जो है वो कोई उनके पास ऐसी सहूलत नहीं है तो वो घर बैठे इस वीडियोस के जरिए से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं। और शेयर करने से जहाँ नॉलेज आप फैलाएंगे तो ज़ाहिर है आपको मुफ्त का जो है वो सवाब भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।